हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? मैं आपको दोस्त कैलाश कुमार। तो दोस्तों, आज के लेक्चर में हम समझेंगे लीनियर आईयूपीएससी और जो तुम्हारे पास चक्रीय आईयूपीएससी है उसके बारे में समझेंगे दोस्तों। तो दोस्तों, अब हम समझेंगे लीनियर आईयूपीएससी कैसी होती है। देखो, जैसे दोस्तों अगर तुम्हारे पास ऐसे आ जाए तो ऐसे आईयूपीएससी को बोलते हैं दोस्तों हम लीनियर आईयूपीएससी। इसमें तुम्हारे पास क्या होता है दोस्तों, जहां पर भी कोने होते हैं वहीं पर कार्बन होता है, प्रत्येक कार्बन होता है। एक बार मैं आपको इसकी संरचना बनाकर दिखाता हूँ। यहाँ पर भी कार्बन है, यहाँ पर भी कार्बन है, यहाँ पर भी कार्बन है, यहाँ भी कार्बन है, और यहाँ भी, यहाँ भी, और यहाँ भी। प्रत्येक बीच अभी सिंगल सिंगल बॉन्ड है दोस्तों। हाइड्रोजन लगा के इसकी क्या कर दो, संरचना पूरी कर दो, संयोजकता पूरी कर दो। इसी को हमने उसमें लिख दिया दोस्तों। कि ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि वहां से हमें लिखना आसान है, यहाँ से लिखना में थोड़ा हार्ड है। तो साइंटिस्ट क्या करे दोस्तों, ऐसे दे दें और उससे तुम्हारा पूछ लेगा कि इसका यूपीएससी नाम बताओ। ठीक है दोस्तों, तो हम अब इनका पढ़ेंगे आईयूपीएससी नाम। दोस्तों तुम्हें उधर से ही गिनती करनी है, जिधर से लंबी चैन पड़ जा। 1 2 3 4 5 6 7। 7 के लिए क्या लगता है दोस्तों, हेप्ट। क्या जोड़ दो, सिंगल बॉन्ड है तो एन, तो इसका नाम हो जाएगा दोस्तों हैप्टेन। क्या हो जाएगा दोस्तों, हैप्टेन। जैसे मैंने कहा ये बताओ, ये कार्बन 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 कार्बन, यहाँ भी कार्बन, यहाँ पर भी, और यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी। कितने कार्बन दोस्तों ये गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। 11 के लिए क्या लगता है दोस्तों, अंडेक एन, अंडे केन हो जाएगा इसका दोस्तों नाम। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार क्या कर सको दोस्तों तुम लीनियर आईपीएससी की, लीनियर सरचन की आईपीएससी बना सकते हो। जैसे मैंने कहा ये बताओ दोस्तों, ये यहाँ पर दोस्तों तुम्हारा कार्बन है, तुम्हें लंबी चैन ले लीजिए और जिधर से सब प्रतिस्थापित समूह पहले पड़ा उधर से गिनती करनी। तो इधर से 1 2 3 4 5 6 प्रतिस्थापित पड़ेगा। तो एक कार्बन का है यहाँ से, तो क्या दोस्तों मतलब CH3 तो ट्यूब है, एक कार्बन है तो मैथाइल। बाइल जोड़ दूंगा दोस्तों मैथाइल में, और तुम्हारे पास कितने कार्बन है, 6, तो हैक्स एन, ये इसका नाम हो जाएगा दोस्तों, किलर। दोस्तों मैंने कहा बताओ दोस्तों, अब देखो दोस्तों तुम्हारे पास ऑप्शन है, तुम किधर से भी गिनती कर सकते हो, चाहे इधर से चाहे इधर से। तो 1 2 3 4 5 6 7, तो मैंने कहा ये दो कार्बन है, एक दो, तो दो के लिए क्या लगता है, एथ, तो एथाइल तीसरे पर, पांचवे पर, और अल्फाबेट के अनुसार नाम लिख दो। तो 3 एथाइल 5 एथाइल, तो 3,5 डाई बार, दो बार आ तो डाई एथाइल, एथाइल 4 बाय मैथाइल, मेथाइल। कितने कार्बन दोस्तों, 7, तो 7 के लिए क्या लग जाएगा, हेप्टेन। ये हो जाएगा दोस्तों इसका आईपीएससी नाम। मैंने कहा दोस्तों इसका बताओ, फिर यहां पर तुम्हारा Br है, यहां पर तुम्हारा Cl है, और यहां पर भी तुम्हारा Br। तो किधर से गिनती होगी, इधर से प्रतिस्थापित समूह पहला रहा, इधर से तो 1 2 3 4 5 6, अल्फाबेट के अनुसार प्रतिस्थापित समूह का नाम पहले भाई, दूसरे पे, चौथे पे, तो 2,4-डाई-ब्रोमो। भाई डाई क्यों, यहाँ दो बार आ रहे हैं इसलिए डाई आ मेरे भाई। 3 क्लोरो, 3 क्लोरो आ जाएगा मेरे भाई। ठीक है दोस्तों, कितने कार्बन है, 6 के, तो 6 के लिए हैक्स एन, ये इसका नाम है भाई। मैंने कहा ये बताओ मेरे भाई, तो किधर से गिनती करो, जिधर से प्रतिस्थापी पहला समूह आ रहा, तो 1 2 3 4 5 6 7, एक और जोड़ दो भाई ये CH3। अब किधर से होगी भाई, इधर से हो जाएगी फिर, एक दो तीन चार पाँच छ सात, लेकिन नाम भाई अल्फाबेट के अनुसार लिखना, तो 2 4 ब्रोमो,
फाइव डाई क्लोरो, 3,5-डाई क्लोरो और 2-मेथाइल, कितने कार्बन दोस्तों? सात, तो सात के लिए हैप्टेन, इसका नाम आईयूपीएसी हो। तो दोस्तों इस प्रकार की तुम आईयूपीएसी कर सकते हो। अगर तुम्हारे दोस्तों अगर आ जाए मैं डबल बॉन्ड, तो तुम कैसे करोगे? ये डबल बॉन्ड आता है दोस्तों ऐसे, तो गिनती उधर से ही करनी, इधर से तुम्हारे पास डबल बॉन्ड पहले पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, उधर से गिनती करनी, इधर से डबल बॉन्ड पहले पड़ेगा, और किसी को नहीं देखना। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो तुम्हारे पास अल्फाबेट के अनुसार 4 ब्रोमो, 5 क्लोरो, 3 मैथाइल, ये भाई प्रतिस्थापी है तो 3 मैथाइल। कितने कार्बन दोस्तों? 6, तो हैक्स डबल बॉन्ड कौन से? 1 ईन, ये हो जाएगा दोस्तों। क्लियर है मेरे भाई? मैंने कहा दोस्तों इसका यूपीएससी नाम बताओ। अब बताओ दोस्तों गिनती की दर्श होगी, ये अभी की दर्श हो जाए गिनती, 1, 2, 3, 4, 5, 6, अरे 7, 8, उधर क्यों नहीं करी? उधर एक कार्बन आता दोस्तों सिर्फ, तो इधर को 2 कार्बन है, तो इधर को चल दिया जाम। ठीक है दोस्तों, अब देख लो प्रतिस्थापी अल्फाबेट के अनुसार, 5 ब्रोमो, 2 क्लोरो, फिर 6, वो 3 एथाइल, 6 मेथाइल, कितने कार्बन दोस्तों? 8, तो ऑक्ट, डबल बॉन्ड कौन सा है? 3, 3 इन, बताओ दोस्तों कोई दिक्कत है क्या? तो इस प्रकार दोस्तों आप आईपीएससी कर सकते हो। मैंने कहा अगर ये बताओ भाई, फिर डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, डबल डबल, BrCl, Cl, ये और ये अभी तुम्हारे पास यहाँ जुट रहा है ये। तो अब देखो दोस्तों गिनती की दर्श होगी, सबसे पहले तुम्हें ये पता होना चाहिए मेरे भाई। अब इधर से हो जाएगी, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 9, अब कर दो अल्फाबेट के अनुसार 4 ब्रोमो, फिर एथाइल कौन क्लोरो 5 पे, और कौन सा भी दोस्तों 6 पे, तो डाई क्लोरो क्लोरो कि, अब फिर भाई तुम्हारा एथाइल, ये एथाइल हो ना, तो 3,7-डाई एथाइल, 2 मेथाइल, कितने कार्बन दोस्तों? 9, तो नॉन यहां लिखो भाई, नॉन NON, नॉन। अब देख लो डबल बॉन्ड कौन कौन से है दोस्तों, 1 पे है, 3 पे है, 5 पे है, 7 पे, तो 4 पे है, तो टेट्रा ई नहीं हो जाएगा इसका दोस्तों आईयूपीएससी नाम। तो क्लियर दोस्तों आप सभी का? मैंने कहा दोस्तों अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो कैसी कंडीशन होगी तुम्हारी? ये दोस्तों, तो किधर से गिनती करनी चाहिए? ट्रिपल बॉन्ड पहले, तो 1, 2, एक कार्बन हो दोस्तों, 3, 4, 5, 6, तो 5 क्लोरो, 4 एथाइल, 4 एथाइल हो जाएगा दोस्तों। कितने कार्बन है? 6, तो हैक्स 2 आइन, क्लियर है भाई? 2 पे आइन है, ट्रिपल बॉन्ड है तो आइन लग जाएगा।
मैंने कहा इसका बताओ दो दोस्तों यूपीएससी नाम, तो किधर से इधर पहले 1 2 3 4 5 6 7, 7 के लिए क्या लगता है दोस्तों, हैप्ट त्रिपल बॉन्ड, वो त्रिपल बॉन्ड 1 पे 3 पे 5 पे 3 बार, तो ट्राई इन आइन ये हो जाएगा दोस्तों इसका यूपीएससी। तो दोस्तों आप इस प्रकार लीनियर आईपीएससी कर सकते हो। अगर दोस्तों अब ये हम करें जो तुम्हारे पास है चक्रीय संरचना की, चक्रीय संरचना की अगर हम आईपीएससी करें तो उसकी कैसे करनी है, बंद संरचना की आईपीएससी करें तो उसमें हम क्या जोड़ेंगे, कुछ नहीं दोस्तों। देखो उसमें भी कुछ नहीं लगाना तुम्हें, उसमें तुम्हें क्या करना, सिर्फ एक थोड़ा सा याद रखना, जब भी तुम्हारे पास साइकिल सी बन जाएगी, जब भी साइकिल सी बन जाएगी, मैंने कहा दोस्तों ये इसका मुझे आईपीएससी नाम बताओ दोस्तों, जब भी तुम्हारी वो क्या मतलब बंद संरचना बन जाएगी कार्बन, तो उससे पहले बस साइकिल लगा दियो और कुछ नहीं। कितने कार्बन है, 1 2 3, तो 3 के लिए प्रोप, सिंगल बॉन्ड है सब में तो प्रोपेन, लेकिन बंद संरचना है तो साइक्लो लगा दो भाई। बताओ दोस्तों कोई आएगा तो साइक्लो प्रोपेन हो जाएगा, इसका नाम क्या हो जाएगा दोस्तों, साइक्लो प्रोपेन। मैंने कहा ये बताओ भाई फिर इसमें कितने कार्बन दोस्तों, 4, तो 4 के लिए क्या लगा, ब्यूट ब्यूटेन, लेकिन बस साइक्लो जोड़ दो, साइक्लो ब्यूटेन। मैंने कहा ये दोस्तों 1 2 3 4 5, 5 है तो 5 के लिए क्या लगता है दोस्तों, पेंट एन, बस साइक्लो लगा दो यार, तो साइक्लो पेंटेन है। इस प्रकार तुम्हें क्या करना दोस्तों, चक्री की बंद संरचना की यूपीएससी करनी है, बस साइक्लो लगाना। मैंने कहा दोस्तों ये कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5 6, 6 के लिए क्या लगता है दोस्तों, हैक्स, सिंगल बॉन्ड है तो एन, तो क्या आ जाएगा दोस्तों, हेक्सेन, लेकिन साइक्लो लगा दो, साइक्लो हेक्सेन हो जाएगा। यह दोस्तों 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 के लिए क्या लगता है दोस्तों, हेप्टेन, साइक्लो लगा दो बस, साइक्लो हेप्टेन, सिंपल है मेरा भाई। मैंने कहा ये इसके आईपीएससी बताओ, तो 1 2 3 4 5 6 7, अरे 8, 8 के लिए ऑक्टेन, साइक्लो लगा दो, साइक्लो ऑक्टेन हो जाएगा। ठीक है भाई, अगर तुम्हारी कुछ भी कैसी बंद संरचना आ जाए, कैसी भी, ये तुम्हारी बंद संरचना है, इसमें कुछ काम सुना, तो कुछ नहीं जुड़ रहा, कहीं से भी कर लो। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 कार्बन, 12 के लिए क्या लगा, डूडेक, सिंगल बॉन्ड है तो एन, डू डे केन, लेकिन साइक्लो लगा दो उससे पहले। ठीक है दोस्तों, बंद संरचना में तुम्हें दोस्तों हमेशा साइक्लो लगाना है, क्या लगाना दोस्तों, साइक्लो लगाना है, क्लियर दोस्त। कर सके साइक्लो लगा के उसकी बंद संरचना कर सकते हैं। अगर दोस्तों तुम्हारा क्या जाए इसमें कोई प्रतिस्थापी समूह हो जाए, यहां से जहां से ये आ गया, तो दोस्तों अब तुम्हें वहीं से गिनती करनी जहां से प्रतिस्थापी समूह है, कहां से है, यहां पर है, तो यहां से कर दो 1 2, यहां से कर दियो, यहां से, यहां से 1 2 3 4 5 6। अब इसका नाम पहला तो 1 मैथाइल, कितने कार्बन दोस्तों, 6, तो हेक्स एन, लेकिन क्या बननी दोस्तों, बंद संरचना बननी तो साइक्लो लगा दो बस, बताओ कोई दिक्कत है भाई। इस प्रकार तुम दोस्तों साइक्लो लगा कर कर सकते हो। जैसे मैंने कहा ये मैंने कहा दोस्तों इसका करो, कहां से करूं गिनती, जहां से प्रतिस्थापी समूह है, लेकिन तुम्हें पता होना चाहिए किधर से, इधर से 1 2 3 4 5। अब 1 पे ब्रोमो, तो 1 ब्रोमो, 2 क्लोरो,
और ये भी था तुम्हारे पास एक दो दो कार्बन का, तो कौन से पे दोस्तों? फोर पे, तो फोर मेथाइल, वो एथाइल। पांच कार्बन तो पांच के लिए क्या लगता दोस्तों? पेंटेन, ये इसका नाम हो जाएगा, साइक्लो आ जाएगा बस, साइक्लो पेंटेन, साइक्लो पेंटेन, ये इसका नाम हो जाएगा भाई। इससे डर रहे तुम्हारा। मैंने कहा दोस्तों इसका बताओ फिर मुझे, मैंने एफ बी आर जोड़ दिया, सेल जोड़ दिया, बी आर जोड़ दिया, सेल जोड़ दिया, और यहां पर जोड़ दिया मैंने ये। तो गिनती तुम्हें किधर से करनी दोस्तों? जिधर से तुम्हारा बी आर पहले, मतलब बी आर से भाई जिधर प्रतिस्थापित होगा, लेकिन कौन से वाला अल्फाबेट के अनुसार कौन पहले पड़े बी आर? तो एक दो तीन चार पांच छह। अब वन पे और थ्री पे क्या है तुम्हारे पास? डाइब्रोमो। टू पर फाइव पे क्या भाई दोस्तों? टू फाइव डाइक्लोरो। ठीक है भाई, टू पर और फाइव पे क्या है दोस्तों? डाई क्लोरो, मतलब क्लोर है। फोर मेथाइल वो एथाइल। मेथाइल कौन से पे? सिक्स पे, तो सिक्स मेथाइल। कितने कार्बन दोस्तों? हैक्स, तो हैक्सेन, लेकिन साइक्लो लग जाएगा बस, साइक्लो हैक्सेन। क्लियर दोस्तों आप सभी का? अगर दोस्तों इसी में तुम्हारे क्या आ जा, डबल बॉन्ड आ जा, यस कंडीशन क्या आ जा, तो दोस्तों तुम उधर से ही करने गिनती, जिधर डबल बॉन्ड पहले पड़ेगा। एक दो तीन चार पांच छह, छह के लिए क्या लगता है दोस्तों? हैक्स। डबल बॉन्ड कौन कौन से का? वन पे, कोमा फोर पे, डाई ई, लेकिन साइक्लो है तो साइक्लो लगा दो भाई, साइक्लो, साइक्लो एक्स वन फोर डाई ई। ये है तुम्हारे पास दोस्तों जिधर डबल बॉन्ड पहले, तो एक दो तीन चार पांच छह, तो सिक्स फोर थ्री पे, सिक्स पे डाई ब्रोमो। कितने कार्बन दोस्तों? हैक्स, साइक्लो लगाओ, साइक्लो हैक्स, डबल बॉन्ड वन पे, फोर पर डाई ई। क्लियर भाई? मैंने कहा दोस्तों ये देखो, मैंने तुम्हें सिंपली कह दिया मेरे भाई, इसका बताओ फिर मुझे। इसका दोस्तों इधर से गिनती कर लो, एक दो तीन चार पांच छह, छह के लिए क्या लगता है दोस्तों? हैक्स। हैक्स कौन कौन से डबल बॉन्ड? वन पे, थ्री पे और फाइव पे। कितनी बार? तीन बार, तो ट्राई इन, साइक्लो लगा दो दोस्तों इससे पहले, तो इसका आ जाएगा साइक्लो हैक्स वन थ्री डाई ट्राई इन। इस प्रकार तुम दोस्तों इनका यूपीएससी कर दो। तो इससे अगले वाले लेक्चर में दोस्तों मैं एल्काइन का यूपीएससी लेकर आऊंगा। तो दोस्तों आप सभी की समझ में आओगे दोस्तों, मैं आप सभी से दे देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।